हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम चटपटे पोहे के पराठे बनाने सीखेंगे। तो आइए ये प्रोसेस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये दो बाउल गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें मैं करीब एक बाउल मैंने पोहा करीब 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, वो पोहा मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब उसके बाद इसमें हम मसाला डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले नमक जो हम स्वाद अनुसार लेंगे, एक चौथाई चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और करीब एक चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और करीब एक चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डालूंगा, जिससे कि ये थोड़ा चटपटा हो जाएगा। एक छोटा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ, और करीब चार चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल रहा हूँ। आप चाहें तो तेल भी यूज कर सकते हैं। अब इन मसालों को थोड़ा मिक्स करके एक सॉफ्ट डो हम तैयार कर लेंगे। इसमें आवश्यकता अनुसार हम पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो आटा हमारा रेडी है। इस पे अब थोड़ा सा हम घी डाल के इसे फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं। आटा हमारा रेडी है, अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। लोइयां हमारी रेडी हैं, अब हम इन्हें सूखे आटे में लपेटते हुए बेलना शुरू करते हैं। पराठा हमारा रेडी है, अब हम इसे गरम तवे पर डालेंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर थोड़ा सेकने देंगे, तब तक हम दूसरा पराठा बेल कर तैयार कर लेते हैं। पराठा हमारा इस तरफ से बन गया, अब हम इसे पलट देते हैं और उस पर घी लगा देते हैं। आप चाहे तो तेल या बटर भी यूज कर सकते हैं। आप जो जब तक दूसरी तरफ से पकेगा, तब तक हम एक और पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। पराठा हमारा दूसरी तरफ से भी हो गया, इसे पलट देते हैं और इधर भी घी लगाकर इसे सेक लेते हैं। पराठा हमें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। पराठा हमारा
रेडी। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरा पराठा सेकने के लिए रख देते हैं। तो पराठे हमारे ये रेडी हैं। मैं एक बार इन्हें थोड़ा को तोड़ के बताता हूँ। ये देखिए एकदम करारे पराठे होने हमारे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप इसे दही के साथ, अचार के साथ और थोड़ा बटर लगा कर खा सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है। सो इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।